दोस्तों, आप अगर आईफोन डिवाइस यूज कर रहे हो और आपको आपके डिवाइस के अंदर फोटोज एंड वीडियोस हाइड करने हैं, आप चाहते हो कि आपके फोटोज एंड वीडियोस कोई ना चेक कर पाए आपके अलावा, तो इसके लिए क्या करना है, ये सारे स्टेप्स आज के वीडियो में बताने वाला हूं। चैनल पर नए हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है फोटोज एप्लीकेशन। अब जो भी फोटोज एंड वीडियोज आपने क्लिक किए वो आपको यहीं पे इस एप्लीकेशन में देखने मिल जाएंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ फोटोज एंड वीडियोज जो है मैंने क्लिक किया। फॉर एग्जाम्पल ये फोटो जो है मुझे हाइड करना है। हाइड करने के लिए सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस फोटो को मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है। आप सिलेक्ट करके यहाँ पे इस तरीके से भी इसे सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे शेयर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। शेयर ऑप्शन आपको यहाँ पे बॉटम में मिल जाएगा। शेयर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे हाइड का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों आपको स्क्रोल करना है ऊपर और हाइड का ऑप्शन आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। अब जैसे ही आप हाइड करते हो एक पॉपअप मैसेज आएगा बॉटम से, हाइड फोटो के ऊपर क्लिक करना है और आप देख सकते हो वो फोटो जो है गैलरी से यहाँ से मूव हो चुका है हाइड फोल्डर में, हिडन फोल्डर में। अब उस फोल्डर को चेकआउट करने के लिए एल्बम सेक्शन में ही आपको नीचे स्क्रॉल करना है और हिडन सेक्शन में आपको ये देखने मिलता है। अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हो हिडन फोल्डर में ये विजिबल हो रहा है। अभी देखो हमने फोटो तो हाइड कर दिया बट यहाँ पे ये जो चीज है अभी भी विजिबल हो रही है, यानी कि कोई भी अगर हिडन एल्बम में आता है तो वो ये जो फोटो है वो देख सकता है। ये ना हो इसके लिए आपको एक चीज करनी है, बट उससे पहले एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको वीडियो हाइड करना है तो यहाँ पे वीडियो मैंने सिलेक्ट कर दी, सेम चीज किया, यहाँ पे जाके हाइड के ऊपर क्लिक करना है, हाइड वीडियो पे क्लिक करना है और वीडियो भी जो है यहाँ से हाइड हो चुकी है। अब ये जो है हमें मिलेगा यहाँ पे हिडन फोल्डर में, हिडन फोल्डर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूं, आप देख सकते हो एक फोटो एंड एक वीडियो इसके अंदर है। अब ये मैं नहीं चाहता कि ये हिडन फोल्डर भी किसी को विजिबल हो, तो दोस्तों उसके लिए क्या करना है, उसके लिए दोस्तों आपको जाना है सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर। सेटिंग्स ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों आपको करना है नीचे स्क्रॉल। स्क्रॉल करने के बाद जहां पे फोटोज का ऑप्शन आपको विजिबल होगा वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप फोटोज ऑप्शन सिलेक्ट करते हो आप आ जाओगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपको इस पेज के ऊपर देखने मिलेंगे, बट आपको एक सिंपल चीज यहाँ पे करनी है, हिडन एल्बम का एक टॉगल आपको विजिबल होगा जो कि ऑन है, इस टॉगल को दोस्तों आपको ऑफ कर देना है। और जैसे ही आप इस टॉगल को ऑफ कर दोगे आपको एक बार फिर से जाना है यहाँ पे फोटोज एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ पे इस टाइम पे आप देख सकते हो हिडन फोल्डर जो है वो यहाँ पे जा चुका है। आप देख सकते हो हम एल्बम सेक्शन में ही है। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो जो हिडन फोल्डर यहाँ पे आ रहा था वो अभी यहाँ पे विजिबल नहीं है। तो जो भी फोटो आप अभी हाइड करोगे वो हिडन एल्बम में चला जाएगा और कोई भी उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। एक और चीज, अब जैसे कि हमने फोल्डर यहाँ पे हाइड कर दिया, एक और वीडियो जो है यहाँ पे मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ इसे, शेयर के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे हाइड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, हाइड वीडियो। तो हमने दो वीडियो और एक फोटो यहाँ पे हाइड किया। आप देख सकते हो बैक जाते हैं, अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो हिडन वाला फोल्डर नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि आपको वो फोटो और वीडियो देखना है तो आपको क्या करना है, सेम आपको सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग में आपको फोटोज ऑप्शन सिलेक्ट करना है और फोटोज ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों हिडन एल्बम का टॉगल जो आपने ऑफ किया था वो आपको ऑन करना है। ऑन होने के बाद आपको दोबारा से जाना है फोटोज में और इस टाइम पे आप देख सकते हो दोस्तों हिडन का जो फोल्डर है वो विजिबल है। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे दो वीडियोज और फोटो जो हमने हाइड किया था वो विजिबल हो गया है। अगर मैं इसे वापस रिस्टोर करना चाहता हूँ मेन फोटोज सेक्शन में तो सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लेंगे, शेयर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे नीचे करेंगे और यहाँ पे अनहाइड का ऑप्शन आता है। अनहाइड के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हो हिडन फोल्डर से वो निकल जाएगा और जो आपका रिसेंट वाला ऑप्शन है आप देख सकते हो वो फोटो और जो वीडियो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो दोस्तों यही सिंपल स्टेप्स आपको भी फॉलो करने हैं अगर आपको आपके आईफोन डिवाइस में कोई भी वीडियो हाइड करनी है या फिर फोटो हाइड करना है और उसके साथ ही में हिडन जो फोल्डर है वो भी आप हाइड कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कुछ आपके सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।